हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन 2 दिन पहले मैं बहुत डर गई थी, बहुत परेशान थी मैं। कारण ये था कि मुझे अपने पापा को खोने का डर बैठ गया था मन में बहुत बुरी तरह से। अचानक मंडे की शाम में मेरे भाई का फोन आया कि पापा पटना में हॉस्पिटल में ICU में एडमिट हैं। सुन के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर ट्यूसडे की सुबह मैं निकली, मैं और मेरे पति देव, हम लोग ड्राइवर के साथ निकले, पटना गए हम लोग। वहाँ पापा ICU में थे, लेकिन पापा की हालत स्थिर थी। उन्होंने थोड़ा सा खिचड़ी खाया, दवाई ली और उन्हें देख के थोड़ा शांति मिली मुझे। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इनफैक्ट पापा को मैं क्या, आप लोग समझ सकते हैं, माँ बाप को कुछ भी होता है तो बच्चों को कैसा लगता है। तो मंडे की शाम तो मैं बहुत खुश थी। वीडियो में आगे आप देखिएगा, मेरी ननद आई थी और रिमझिम से मिलने गई। रिमझिम को भी आपने देखा होगा, मेरे पिछले ब्लॉग में आई हुई है वो अपने मायके। तो मेरी ननद भी आई थी उनसे मिलने, हम लोग सब मिले, बहुत मतलब बहुत हंसी खुशी का माहौल था। तो अचानक मेरे भाई का फोन आया कि पापा एडमिट है। मैं तो वहीं से रोने लगी, बहुत ही ज्यादा डर गई मैं। लेकिन भगवान की दया से पापा ठीक हैं। पापा को टाइफाइड हुआ है, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उनको और चेस्ट में उनका रेयर बहुत ही हल्का से इन्फेक्शन है। वो डॉक्टर ने कहा है कि दवा से ठीक हो जाएगा। तो मैं 2 दिन अपने मायके रही, पटना के पास ही मेरा मायके है बख्तियारपुर, वहाँ रही मैं। अब मैं यहाँ रांची आ गई हूँ, आके आप लोगों से मिल रही हूँ। पापा अब ठीक हैं, हो सकता है तो 1-2 दिन में घर भी आ जाएंगे पापा। मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से, आप लोग प्लीज मेरे पापा के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। बस पूरा ध्यान पापा पे ही लगा हुआ है। लेकिन हाँ, साईं बाबा भगवान की कृपा से पापा ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, मैं ये भी दिखाऊंगी आपको इस ब्लॉग में कि कैसे मैं गई थी, कैसे हम लोग कितने खुश थे। खैर जाने दीजिए, अंत भला तो सब भला, पापा आप ठीक हैं और कुछ नहीं। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक नए ब्लॉग के साथ। देखिए शालू जी और रिमझिम कैसे एक दूसरे से मिल रही हैं, बहुत दिनों के बाद दोनों मिली हैं। देखिए हम लोग सब कितने खुश थे मंडे की शाम, 7-8 साल बाद। वाह एकदम मत छोड़िएगा, हाँ दिल से पास रहते हैं आप लोग, ये बात तो है। हाँ ये बात यहाँ रीना जी सबके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर रही हैं। देखिए सबके लिए नाश्ता निकाल रही हैं रीना जी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, सब एक दूसरे से मिल रहे थे, खा पी रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खुशियों के बाद फिर मुझे मतलब इतना बड़ा पापा के बारे में सुनने को मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ये वीडियो एंजॉय कीजिए। देखिए नजर न लगे, नजर न लगे, अब सच में जलन हो रहा है। यहाँ देखिए तान्या ने भी ऑफिस से आके हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है। राजू तुम भी कर, अरे बाबा सुशु कैसे किया सुशु, राजू तुम भी कर दो, नहीं यहाँ हम लोग एक साथ बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। इसके बाद मेरे भाई का फोन आया। देखो आए कर दो, जब मैं अपने मायके से लौट रही थी तो इस डूबते हुए सूरज को देख के यही सोच रही थी, सूरज अभी डूब रहा है, फिर ये एक नई सुबह के साथ निकलेगा, नई रोशनी लेकर, नई उम्मीद लेकर। ऐसे ही मेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।